शिक्षा ही देश के भविष्य का आधार होती है और लड़कियों की शिक्षा इसमें क्या भूमिका निभा सकती है, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ नन्हे बच्चे। आइए हम और आप ही जानते हैं इनके इस प्रयास के बारे में। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। माई मैक के जरिए ये बच्चे देना चाह रहे हैं एक ऐसा संदेश जो जरूरत है आज के समाज की, जहां देश की नन्ही बच्चियों को आज भी शिक्षा से रखा जाता है महरूम, और उसी समाज से उठ खड़े होकर आज ये बच्चे कर रहे हैं एक अपील, जिससे देश के आने वाली पीढ़ी को मिले एक ऐसा भेदभाव रहित शिक्षा का हक, जिससे भारत की ये बेटियां भी बन सकें देश के विकसित भविष्य का आधार। एक माइम था जिसमें इंडियन कल्चर के जो हमारे कल्चर में जो बुराइयां हैं उनको बारे में बताया गया था। गर्ल्स हैव द राइट टू बी एजुकेटेड। शिक्षा ही समाज को एक दिशा दे सकती है, शिक्षा ही समाज का आधार होती है, और किसी भी सफल समाज के लिए शिक्षा उतना ही जरूरी है जितना समाज के लोग। और अगर हमें समाज में बदलाव लाना है और खास करके औरतों को शिक्षा मिले, इसकी कोशिश करनी है। युवा बच्चों के उभरते टैलेंट का ये नज़ारा सामने आया हाल ही में आयोजित किए गए समारोह के दौरान, जहां सिंगिंग से लेकर बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस और डिफरेंट एक्टिविटीज में भाग लेते नजर आए ये नन्हे बच्चे, जिनका मानना है कि पढ़ाई के दौरान इन एक्टिविटीज का अहम योगदान होता है उनके संपूर्ण विकास में। बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, और ऐसा हम मौका बच्चों को ना दें कि सभी बच्चे एक्सपोजर लें, स्टेज पर आने का मौका लें और अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाएं, तो बात शायद अधूरी रह जाती है, सिर्फ किताबी रह जाती है कि यस वी वांट ऑलराउंड डेवलपमेंट बट दिस इज नॉट देयर। प्रैक्टिकली होना चाहिए, बच्चों को वास्तविक रूप में आना चाहिए सामने और पूरे पब्लिक को जाकर के बताना चाहिए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। को एक्टिविटीज में तो मजा आता है, पढ़ाई से हटके जब कुछ करने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। सारे पढ़ाई के बर्डन के बाद अब एंड में ही हमें ये मिलता है कि हम अपना प्रेजेंट करें कि हमने पूरे साल क्या सीखा, तो उसमें मजा आता है। बाय एंकरिंग द शो इट वाज अ प्रिविलेज। हम लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया और बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिली, और अब हमें इतना एक्सपीरियंस है कि अगर हम कहीं बाहर भी जाएंगे तो किसी को हम पे कोई उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। शिक्षा ही समाज में आ रहे बदलावों का एक ऐसा माध्यम है जो देश के विकास को गति दे सके। ऐसे में अब लड़कियों की शिक्षा को लेकर समाज में जागरूकता आ सके, इस प्रयास को लेकर अब शिक्षा संस्थान भी समय समय पर इन कार्यक्रमों के जरिए समाज में अवेयरनेस लाने का काम भी कर रहे हैं। साथ ही इनका मानना है कि सही अवसर और शिक्षा मिलने पर लड़कियां देश के विकास की अहम कड़ी साबित हो सकती हैं। मेडिकल फैक्ट भी है, लड़कियां 4 साल ज्यादा मैट्योर है लड़के से भी, लड़के बाद में फूलते हैं, फल फूलते हैं, लड़कियां पहले से ज्यादा होशियार हो जाते हैं। नेशन इज प्रोग्रेसिंग एंड इट्स टू गुड टू सी द गर्ल्स ऑन द स्टेज रिसीविंग सो मेनी प्राइजेस। तो अभी उभरने में समय लगेगा, लेकिन ऐसा भी समय आएगा कि यू विल सी ओनली गर्ल्स। आई हैव बीन फीलिंग वेरी नाइस अबाउट द फंक्शन एज वी ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट दीज प्राइजेस थ्रू आउट द ईयर एनुअली, एंड सो आई एम फीलिंग वेरी नाइस। इवन आई हैव वन सम ऑफ द सर्टिफिकेट्स एंड अ ट्रॉफी। लड़कियाँ खुद भी ऐसी प्रकृति से बनकर के आती हैं कि जो मानसिकता उनकी किसी भी काम में निपुणता हासिल करने की होती है, तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा ये मेरे को अंतर मेजर लगता है कि ऐसा कुछ शायद है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि लड़कियाँ हर जगह बाजी मार रही हैं। फिलहाल शिक्षा जगत के इन प्रयासों से इतना तो जाहिर है कि आने वाले समय में इन प्रयासों से ही देश को मिल सकता है एक स्वस्थ और विकसित समाज का दर्जा, और इस दिशा में की जा रही ये पहल एक कोशिश है विकास के इस दौर की ओर उठने वाले कदमों की।